नमस्कार दोस्तों, AR लाइव में आप सभी का स्वागत है। सन 1979 की बात है जब शाम 6 बजे एक किसान इटावा के उसराहार थाने में कुर्ता धोती पहने पहुंचा और अपने बैल की चोरी की रपट लिखाने की बात कही। सिपाही ने इंतजार करने को कहा। कुछ देर इंतजार करने के बाद फिर किसान ने रपट लिखाने की गुहार की, मगर सिपाही ने अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद सिपाही ने आकर कहा, चलो छोटे दरोगा जी बुला रहे हैं। छोटे दरोगा ने पुलिस अंदाज में 4-6 टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे और बिना रपट लिखे किसान को डांट टपर कर चलता गया। जब वह किसान थाने से जाने लगा तो एक सिपाही पीछे से आया और बोला, बाबा थोड़ा खर्चा पानी दे तो रपट लिख ली जाएगी। रपट लिखे जाने की बात पर तो वह किसान खुश हुआ, लेकिन खर्चा पानी की बात पर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। किसान ने गुहार लगाई कि वह एक गरीब किसान है, लेकिन काफी मिन्नतें करने के बाद भी बात नहीं बनी तो किसान कुछ रकम देने को तैयार हो गया। 35 रुपए की रिश्वत लेकर रपट लिखना तय हुआ। रपट लिखकर मुंशी ने किसान से पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे कि अंगूठा लगाओगे? किसान ने हस्ताक्षर करने को कहा तो मुंशी ने रोज नामचा आगे बढ़ा दिया जिस पर प्राथमिकी का ड्राफ्ट लिखा था। किसान ने पेन के साथ अंगूठा वाला पैड उठाया तो मुंशी सोच पड़ गया, हस्ताक्षर करेगा तो अंगूठा लगाने की स्याही का पैड क्यों उठा रहा। किसान ने हस्ताक्षर किया और नाम लिखा चौधरी चरण सिंह और मैले कुर्ते की जेब से मुहर निकालकर कागज पर ठोंक दी। इस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखकर पूरे थाने में हड़कंप मच गया। दरअसल वह उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे जो थाने में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। उसके बाद तो उसराहार का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों, किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह की कहानी से कुछ सीखते हैं। चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को एक जाट परिवार में हुआ था। इनका जन्म गाजियाबाद के पास नूरपुर गाँव में हुआ था। चौधरी चरण सिंह के पिता चौधरी मीर सिंह ने अपने नैतिक मूल्यों को विरासत में चरण सिंह को सौंपा था। चरण सिंह के जन्म के 6 वर्ष बाद चौधरी मीर सिंह सपरिवार नूरपुर से जानी खुर्द के पास भूपगढ़ी आकर बस गए। यहीं के परिवेश में चौधरी चरण सिंह के नन्हे हृदय में गांव के गरीब किसान के शोषण के खिलाफ संघर्ष का बीजारोपण हुआ। आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा लेकर 1928 में चौधरी चरण सिंह ने ईमानदारी, साफगोई और कर्तव्यनिष्ठापूर्वक गाजियाबाद में वकालत प्रारंभ की। वकालत जैसे व्यावसायिक पेशे में भी चौधरी चरण सिंह उन्हीं मुकदमों को स्वीकार करते थे जिसे मुवक्किल का पक्ष न्यायपूर्ण होता था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज उद्घोष से प्रभावित होकर युवा चरण सिंह ने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया गया। गांधी जी ने डांडी मार्च किया। आज़ादी के दीवाने चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाया, जिसके बाद चरण सिंह को 6 माह की जेल हुई। जेल से वापसी के बाद चरण सिंह ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वयं को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। इसके बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी चरण सिंह गिरफ्तार हुए, फिर 1941 में मुक्त किए गए। इस समय सारे देश में असंतोष व्याप्त था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो की आवाज सारे भारत में गूंजने लगी। 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के माहौल में युवक चरण सिंह ने भूमिगत होकर गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मवाना, सरथना, बुलंदशहर के गांव में गुप्त क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। मेरठ कमिश्नरी में युवक चरण सिंह ने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत को बार बार चुनौती दी। इसके बाद मेरठ प्रशासन ने चरण सिंह को देखते ही गोली मारने का आदेश दे रखा था। एक तरफ पुलिस चरण सिंह की खोज में लगी रहती थी तो वहीं दूसरी तरफ चरण सिंह जनता के बीच सभाएं करके निकल जाता था। आखिरकार पुलिस ने एक दिन चरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। फिर इनको 1.5 साल की जेल हुई। जेल में रहकर इन्होंने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम है शिष्टाचार। इस किताब में भारतीय संस्कृति और समाज के शिष्टाचार के नियमों का एक बहुमूल्य दस्तावेज है। आजादी के बाद चरण सिंह ने जनता पार्टी नाम के एक राजनीतिक दल का गठन किया। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता माने जाते रहे हैं। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। 1 जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में उनके बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। इसके बाद किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक है, ये कहना था चौधरी चरण सिंह जी का। 3 अप्रैल 1967 को वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मध्यावधि चुनाव में उन्हें अच्छी सफलता मिली। इसके बाद दोबारा वे 17 फरवरी 1970 को यूपी के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने। गृह मंत्री बनते ही उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने। उनकी राजनीतिक विरासत कई जगह बटी। आज जितनी भी जनता दल परिवार की पार्टियां हैं, जैसे उड़ीसा में बीजू जनता दल या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड ले लीजिए, या ओमप्रकाश चौटाला का लोक दल, अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोक दल हो या मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी हो, ये सब चरण सिंह की विरासत है। सन 1925 में इन्होंने गायत्री देवी से शादी की। इनके 5 बच्चे हुए, जिनमें से अजीत सिंह एनडीए सरकार में कृषि मंत्री रहे और 2011 से वो यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह को युग नायक और किसानों के मसीहा के तौर पर याद किया जाता है। जो काम इन्होंने किसानों के लिए किया शायद आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। 29 मई 1987 को इनका देहांत हो गया। हर साल 23 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। 23 दिसंबर 2020 को उनकी 118वीं जयंती मनाई गई। उनकी जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी दोस्तों किसान से नेता बने चौधरी चरण सिंह की कहानी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।